भारत पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगे लड़ी, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी। जैसे ही इंडियंस यहां पहुंचेंगे, फाइन से कॉन्टैक्ट होगा, खेल खत्म। शेरशाह में कौन सी ऑफ स्क्रीन जोड़ी करेगी साथ में काम? क्या कियारा बनने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा की मंगेतर? कियारा आडवाणी ने आजकल चलती सोशल मीडिया पर उनकी खबर से रिलेटेड क्या दिए हैं व्यूज? आइए जानते हैं आज की वीडियो से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आज की होस्ट मीनाक्षी पांडे, और मैं फिर लेके आ गई हूँ एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें आप तक। आज हम बात करेंगे विष्णुवर्धन की अपकमिंग मूवी शेरशाह की। शेरशाह विष्णुवर्धन की निर्देशित मूवी होगी और इस टाइम की सबसे बड़ी मूवीज में से एक मूवी होने वाली है। इस मूवी में मेन लीड का रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा करेंगे। हालांकि मूवी में और भी कई बेहतरीन एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट काम करेंगी कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी ने फिल्म कबीर से शाहिद कपूर के साथ अपना पहला डेब्यू किया था, और तब से प्रीति के किरदार को लोगों ने इतना प्यार दिया कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में डिमांड बेहद बढ़ी। कियारा आडवाणी ने कबीर सिंह के बाद इंदु की जवानी और गुड न्यूज़ जैसी बेहतरीन मूवी में काम करके लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी है। मगर जैसे ही कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई मूवी का टीजर रिलीज हुआ और मूवी की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पे की गई, तो मानो ट्विटर एड्स ने कमेंट में आग लगा दी। लोग ये जान के बेहद खुश हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी साथ में काम करने वाले हैं, और उन लोगों को ऑन स्क्रीन साथ काम करता देखने को सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अब कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा साथ में काम करेंगे तो उनकी एक्टिंग और मूवी हिट तो जरूर ही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, उनकी ऑफलाइन केमिस्ट्री से तो हम सब ही वाकिफ हैं। हम उन दोनों के आशिकी के चर्चे मानो हवा में घुल से गए हैं। ऑन स्क्रीन फिल्म में भले ही दोनों साथ में पहली बार काम कर रहे हों, मगर ऑफ स्क्रीन दोनों एक दूसरे को एक दूसरे का हमसफर मान चुके हैं। मगर हाल ही में ये उड़ती उड़ती खबर आई है कि असल जिंदगी में भी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक दूसरे के मंगेतर बनने वाले हैं। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, यही शक दूर करने आज हम आए हैं आपके पास। जनाब, जिस मंगेतर और जिस मंगनी की बात यहाँ पर हो रही है, वो असल में शेरशाह की स्क्रिप्ट का पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये उड़ती हुई खबर महज एक अफवाह है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी से फैल रही है। असल में ये शेरशाह की स्क्रिप्ट की डिमांड है कि मूवी में कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि विक्रम का किरदार निभा रहे हैं, उनसे शादी करने वाली होती हैं। मगर अफसोस, शादी से कुछ समय पहले ही कारगिल वॉर में सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी जान खो बैठते हैं और देश की हिफाजत में शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, माना कि हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद है, लेकिन शादी और मंगनी जैसी बात तो रियल लाइफ में भी बहुत बड़ी बात है, तो ऐसी बात को किसी सेलिब्रिटी लाइफ से जोड़ना मुझे जायज नहीं लगता। पर आफ्टर ऑल, इस वक्त वो दोनों अपने करियर को लेके काफ़ी फोकस्ड हैं। कियारा आडवाणी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि फिलहाल वो अपने करियर को डेट कर रही हैं। उन्होंने द कपिल शर्मा शो में भी ये बात कही थी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना ही पसंद करती हैं, और अपनी लव लाइफ पर तभी कोई टिप्पणी देना पसंद करेंगी जब वह शादी के लिए तैयार होंगी। इससे पहले वो पब्लिसिटी के लिए अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी बात बाहर बताना नहीं पसंद करती। ये बात तो ज़रूर अब जायज़ है कि कियारा आडवाणी अपनी निजी लाइफ को सामाजिक बनाना नहीं पसंद करती, और यही वजह है कि फिल्म शेरशाह की अनाउंसमेंट के बाद भी उन्होंने पब्लिकली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की जिससे लोगों के दिमाग में कोई शक पैदा हो। अब शेरशाह कैसी मूवी होगी और उसकी रिलीज के साथ ही आने वाली मेयर 2 को कितनी टक्कर दे पाएगी, ये हम बताएंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ खास खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।